देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। इस समय जहां देश में चुनावों की सरगर्मियों ने जोर पकड़ रखा है, वहीं नेताओं राजनेताओं की आपस में तू तू मैं भी अपने चरम पर है। अभी कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने उनकी मां पर निशाना साधा, जिसे राजनीति का तक मालूम नहीं, फिर भी उन विपक्षियों ने मेरी मां पर सवाल उठाए। इसी तरह इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर चुनावी सभाओं के दौरान जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, अगर यहां भाजपा की सरकार बनी तो ओवैसी को उसी तरह तेलंगाना से भागना पड़ेगा जैसे निजाम को हैदराबाद से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रविवार तेलंगाना राज्य का चुनावी दौरा कर हैदराबाद समेत 4 जगह जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो सबको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन किसी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने एक अन्य जनसभा में कहा कि हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान समर्थक था, वो भारतीय गणराज्य में हैदराबाद रियासत को शामिल नहीं करना चाहता था। तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के कारण निजाम को हैदराबाद छोड़कर भागना पड़ा। उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहादुरी और चालाकी की वजह से भारत एक हो सका। हालांकि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान नहीं रखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की है। एक ही व्यक्ति शीर्ष पद पर पहुंच सकता है, लेकिन भाजपा में कभी ऐसा नहीं होता। यहां गरीब परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। आंध्र प्रदेश में जन्मे वेंकैया नायडू भाजपा में रहते हुए वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं और अब उपराष्ट्रपति हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें तेलंगाना राज्य के लोगों का भारी उत्साह देखकर पूरा भरोसा है कि यहां भाजपा की ही सरकार बनेगी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।